लास्ट वीडियो भी है इसमें डालूंगा मैं। हम रील नहीं निकल गया, एक्सीडेंट हो गया था कल बाइक से, बस वो बच गए और निकला ठीक हो। इनके बाद ये पूरा घर है अपना, ड्यूप्लेक्स, अंदर से दिखाऊंगा, अंदर से भी। Hey guys, welcome back to my new vlog। कैसे आप सब? तो आज है छोटी दिवाली और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी छोटी दिवाली। और अभी हम जा रहे हैं वजीराबाद अपने गांव, दिवाली वाले दिन भी और छोटी दिवाली वाले दिन भी। हम जुकाम हो गया बोलने जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं आया था छोटी दिवाली पे भी और बड़ी दिवाली पे भी हम गाँव जाते हैं और खोले जाते हैं मेन दिवाली पे। वैसे हम गाँव जाते रहते हैं, अभी जा रहे हैं हम गाँव, तो चलते हैं फटाफट। एंड मीटिंग निखिल भैया, गाड़ी के लोग देखो सामने दिख रही है, एक सेकंड ये देखो, ये कमरे में रेड़े। अभी वी आर एट होम, अभी आ गए हैं हम घर, गांव वाले। ऐ निकल गया, सजा रखा मस्त, चलो फटाफट अंदर चलते हैं। ये देखो है, पोपो फोड़े खुश हो रही है, पोपो है पोपो। हाँ। और ये देख लो, हाँ भाई फिर बंदूक। अच्छा ये देखो, क्या बदमाशी कर सकता हूँ। अरे 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 आ, 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 यस। इसके देख लो, ये देखो हैप्पी दिवाली निकल रहा, निकल हैप्पी दिवाली। ना भी नहीं पाएंगे। अरे बैठेंगे वहां पे आराम से। अब ये बता दो हुआ क्या है, अपने मुंह से बताओगे या क्या? कुछ चीज मिसिंग लग रही है यहाँ पे, जाओ पर मिसिंग लग रही है। मैस करो, मेरा लास्ट वीडियो भी है इसमें डालूंगा मैं। हम रील नहीं, रेल बढ़ाते हैं। सो अभी जा रहे हैं हम घर, और जैसे कि आपने देखा होगा निकला का पैर सूज रहा है, और निकला कुछ बता रहे थे, तो भाई ये है कि निकला का एक्सीडेंट हो गया था कल बाइक से, बस वो बच गए। यूँ है कि बाइक थी इसलिए बच गए, बाकी बाइक तो ज़्यादा ही टूट गई है, तो अभी तो सर्विस सेंटर में है वो, बाकी बच गए निकला वो बहुत बड़ी बात है। छोटी मोटी चोट आई बस पैर में और हाथ में, ये छिलाया हाथ बाद, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बाकी घर चलते, चलो फटाफट भाई। दिवाली के टाइम पे हुआ है ये देखो, कि मतलब बच गए, सबसे बड़ी बात ये थी कि ज़्यादा चोट नहीं आई। चलो बाइक आई तो सब ठीक हो जाएगी, बाइक ज़्यादा मतलब बाइक ज़्यादा टूट गई है, बता देता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो डैमेज बहुत ज़्यादा हुई है बाइक, पार्ट वार्ट सारे टूट गए ऑलमोस्ट। तो यही था ऐसा कुछ ब्लॉग था, और चलो चलते हैं घर पर। बाकी कल जाएंगे हम खेत में, कल है मेन दिवाली, कल जाएंगे। जो पूरा सिनेरियो हुआ है ना कल निकल के साथ, वो आपको रही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो थे प्रेजेंट वहाँ पे, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या हुआ है अपने चैनल पे, कि उस बाइक ने कैसे निखिल को बचाया है। सही भाई, उस बाइक ने निखिल को बचा लिया है, उस बाइक में इतनी जान थी कि जिस इम्पैक्ट से एक्सीडेंट हुआ है ना, उस इम्पैक्ट से अगर बाइक की हालत देखोगे आप, तो आपको लगेगा कि बंदे के बहुत चोट लगी है या फिर समझ जाओ, लेकिन पर निखिल एकदम फिट एंड फाइन है, बस थोड़ी सी पैर में मोच सी आई है और कुछ भी नहीं, और हाथ छिला थोड़ा सा। बाकी बाइक तो भाई हमने फोटो खींची नहीं है, क्यों तुम्हें फोटो दिखा दूँ मैं, लेकिन बाइक डैमेज है। हट जाओ भाई, अभी आया हूँ मैं वोटर कार्ड लेने, मतलब वोटर कार्ड के जो होता है ना फॉर्म, वो लेने आया हूँ। मेरी बहन को वोटर कार्ड बनाया था, वोटर कार्ड का फॉर्म लेने आया हूँ कमेंट सेंटर में अपने, और फिर फटाफट चलते हैं घर। उसके बाद इसका फॉर्म वॉर्म भरवा के देना है, और फिर इसका वोटर कार्ड बनवाना है, क्योंकि इसका वोटर कार्ड अभी तक नहीं बना है, 20 साल की होगी वो। चलते हैं चलो भाई, ऐसा कुछ फॉर्म है ये बनाए वोटर कार्ड बनाने का, उसको फटाफट फिल करते हैं और फिर देते हैं उसका वोटर। पता उसके वोटर कार्ड बनाने के लिए मैं घूम रहा हूँ। पारुल जी का तो ये व्लॉग देख रही है, तो तेरे लिए मैं सुबह सुबह आया हूँ ये फॉर्म लेने के लिए। आए थे निखिल भैया और भैया, और अब जा रहे हैं, बाय 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 बाय। और निकला ठीक हो? शेड लगा लिए, शेड से मुंह छुपा लोगे जिंदगी नहीं। बाय गाइस, बाय 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 बाय। वाओ, अभी चलाएंगे इसको मटके को। बाय गाइस, एक वो रही और एक वो रही। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो आज है दिवाली, तो मेरी तरफ से आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली, और आप बहुत खुश रहें, आगे बढ़े, मेरे को भी आगे बढ़ाएं। तो अभी हमारा ये प्लान है कि अभी हम जा रहे हैं नानी के, और भाई देखो मेरा ये रूल होता है कि हम जाते हैं, जैसे बेसिकली हम गांव भी जाते हैं दिवाली वाले दिन,
हम नानी के भी जाते हैं और हमने खेत भी जाते हैं, खेत में जाके हम जोत जोड़ के आते हैं। तो आज खेत भी जाएंगे, नानी के भी जाएंगे, गांव भी जाएंगे और अपने खोड़ी वाले मंदिर पे भी जाएंगे। इसको देख लो पहले एक बार, अब जाट आ गया ये देख लो, ये पता नहीं कैसे कपड़े चूज करके आती है, शहरी वाले बच्चों के कपड़े। अब चलते हैं फटाफट, चल भाई चल। अब चल ना, एक कष्ट कर दीजिए एक बार थोड़ा सा। सुबह हम पहुंच गए नानी के घर पे, आज दिवाली है तो यहाँ पे आना तो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए भाई मैं दिवाली पे ये करता हूँ कि सबके घर पर जाता हूँ, अपने बड़े हो गए अपने गांव जाता हूँ, अपने नानी घर जाता हूँ, खोली वाले बाबा को जाता हूँ, उसके हम खेत में जाते हैं। तो हमारा यही प्लान है, आज हमारा प्लान फिक्स है कि आज हम पहले तो यहाँ पे आए हैं, उसके बाद फिर खोली जाएंगे, खोली से डायरेक्ट अपने गाँव, गाँव से फिर बड़े पापा में लेके जाएंगे फारूक नगर हमारे खेत में, और फिर खेत में जोत वोत जोड़ के वापस आएंगे, फिर बस दिन खत्म। पटाखे पटाखे तो फोड़ नहीं रहा मैं, दिन खत्म मेरा। बाकी तो मैं दिखाता हूँ नानी घर, एक सेकंड। 0.5 में आ रहा है ये, 1 में तो आ ही नहीं रहा था पूरा। तो भाई एंट्री है यहाँ से, एक मिनट रुको, एंट्री है यहाँ से, यहाँ से आपको बड़ा सा गेट दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आती पहले गार्डन है, गार्डन के बाद ये पूरा घर है अपना ड्यूप्लेक्स। अंदर से दिखाऊंगा, अंदर से भी दूंगा, बाकी अंदर चलते रहो, अंदर चलते रहो, अंदर चलते रहो। यहाँ पे मतलब बेसिकली यहाँ पे गार्डन है, यहाँ घर है और पीछे भैंसों वालों का एरिया जहाँ भैंस वैंस बांध रखी है। रुको दिखाता हूँ तुम्हें, वो भी पूरा होम टूर दूंगा तुम्हें नानी घर का। रुको तुम भी कहोगे वाह भाई वाह, पैसा हो तो नानी घर पे ही है। देखो भाई अपने भैंसों का एरिया है, यहाँ पे भैंस वैंस बांध रखी है और ये भैंसों को इससे भी पीछे, इससे पीछे और भी है प्लॉट, यहाँ पे ख़त्म नहीं है, इससे पीछे और भी है। मतलब समझ लो इतना बड़ा एरिया है, वहाँ से स्टार्ट होता है और इससे पीछे है, समझ जाओ इससे पीछे, मतलब इससे पीछे वो है क्या बोलते हैं अपना, जैसे भैंस वैंस का कबूल होता है, न्यार वार होता है उसमें, इसमें इसमें रख रखा है ये, कम से कम ये भी 100 गज का प्लॉट है पूरा, जहाँ पे सामान रख रखा है। मेरे को दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो भाई पूरा भैंस वैंस खाना वाना और न्यार व्यार रख रखा है, और इस साइड भी कमरा जहाँ पे स्टोर रूम टाइप का मान लो तुम, होता बंद। हाँ भाई क्या हाल है, अच्छा पहचाना नहीं, बहुत दिनों बाद आए हूँ तो पहचान नहीं रहे हैं, कोई नहीं। बाकी देखो एक चीज़ है यहाँ पे, मैंने देखी नानी यहाँ पे गैस की पाइपलाइन है, यहाँ पे इला भी लगाई सरकार वरकार ने, अभी लगानी स्टार्ट करी है पूरी गैस की पाइपलाइन है, ये पता नहीं स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है लेकिन ये लग गई है। यहाँ पे एक तरह से कहें तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ से वैसे एंट्री उस साइड से, लेकिन वो एंट्री बंद कर रखी है। तो इस साइड एक अपना जैसे गेस्ट रूम टाइप होता है वो है, और इसके बाद ये है नानी घर का रूम, ये वाला है नानी का रूम, ठीक है। उसके बाद ये है मंदिर, मंदिर भाई एक नंबर लगता है मेरे को यहाँ का नानी घर का, ये देखो सिस्टम वाओ। और इसके बाद ये है किचन, ये देख लो यहाँ पे किचन है, और किचन के बाद ये भी थोड़ा सा ये दिया जैसे कुछ सामान वामान रखने का, ये देखो कहाँ खेल रहा है, बढ़िया है बिल्कुल, समझ में वो रखी है। ये देखो अब ऊपर से दिखाऊँ तो मैं, एक सेकंड रुको, यहाँ पे सब वो चेंज कर रखे हैं। तो भाई यहाँ पे ऊपर 2 कमरे और हैं जो कि खाली पड़े हैं, ये देख लो ये 2 कमरे यहाँ पे खाली पड़े हैं, ये भी एक तरह से गेस्ट रूम है एक तरह से। यहाँ पे हम जैसे हम आते हैं ना कभी तो हम सो जाते हैं यहाँ पे आके, यहाँ मस्त गद्दा वद्दा बिछा के इस पे सो जाते हैं, बाकी पूरा खाली पड़ा है ये, और इस साइड भी ये भी खाली पड़ा है, ये भी स्टोर रूम टाइप का ही है, ठीक है। चलो यहाँ पे दिखाऊं सामने वाली बालकनी, ये तो वॉशरूम है और साइड से उसका वॉशरूम का दरवाजा है, अब तो मैं कहता हूँ बालकनी सामने वाली, और ये तो जुगाड़ कर रखा है भाई कुछ, चलो खोल लूँगा नहीं। ये देखो ये सामने वाली बालकनी अपनी, ये सामने तो जस्ट फ्लैट बन रहे हैं यहाँ पे, दिखाओ बाहर जाके, चलो दिखा दिया नानी घर। अब तो मैं एक चीज़ और दिखाऊँ जो मेरे को पर्सनली पता चली लगती है यहाँ पे, बहुत बड़ी लगती है मेरे को ये चीज़, एक मिनट मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये वाली मूर्ति लगती है मेरे को इस वॉल पे, सबसे बढ़िया मूर्ति है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी है नीचे तक। कैसा लगा, गेस करो कितने का, बखत ही आ लिए, तो ये क्या लग रहा है, ये तो नई चीज़ लगवाई है, ये तार से जा रहा है वहाँ तक, क्या ये ओ
अच्छा ये लड़ी वड़ी के लिए मेरे हिसाब से। हाँ ये लाइट लगा रखी है पूरे घर में, पूरे घर के लिए, पूरी को वो करेगी जब चलेगी ना, पूरे घर में फैल जाएगी लाइट। बढ़िया चीज़ है यार, तू ये तो हमने भी नहीं लगवाई, नानी ने लगवाई तो। ले जी ये पूरा गार्डन, तो मैं गार्डन दिखाता हूँ, इसे मैं सामान रख लूँ मैं। ये मेरी रानी, मैं गार्डन दिखा रहा था, तो गार्डन में है ये हैप्पी दिवाली और ये सारे, ये तो पता नहीं किस चीज़ का है, इसमें उनको भाई पता नहीं किस चीज़ का है, स्मेल नहीं आ रही चीज़ इसमें। ये फूल वूल ही है सारे पास, और ये भाई ये ना ये क्या सेब का पेड़ था, पता नहीं वो है या ख़राब हो गया, ख़राब हो गया मेरे हिसाब से, यहीं था वो इस साइड ही। और अमरूद का पेड़, तो मैं अमरूद का पेड़ दिखाऊँ यार, ओस हो रही है इसमें, एक मिनट रुको, अमरूद का पेड़ है ये वाला, अमरूद लग रहे हैं ये देख लो, मैं अमरूद भी लग रहे हैं, वाओ सारे अमरूद अमरूद लग रहे हैं इसमें। ये अमरूद का पेड़ है, पपीते का पेड़ तो पता नहीं वो से तोड़ दिया है, पता नहीं क्या कर दिया, ये भी अमरूद का ही है देखो, दिख रहा हो तुम्हें सारे अमरूद अमरूद, अमरूद के बहुत पेड़ हैं यहाँ पे नानी घर के। ये पता नहीं किस चीज़ का है, मैं बहुत देखा है ये, पर मेरे को नाम नहीं पता इसका। बाकी ऐसे कुछ है भाई गार्डन, थोड़े बहुत पेड़ लगा रखे हैं, और यहाँ पे उगते थे पहले धनिया और वो, पता नहीं अब है नहीं है, अभी नहीं है, पहले यहाँ पे धनिया उगाते थे और पालक, पालक शायद अभी भी इसमें है लेकिन धनिया नहीं है। चलो कैसा लगा तुम्हें घर, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा घर तुम्हें नानी का। मोटा पैसा है भाई इन पे, तो तभी सुबह सुबह आ गए पैसे लेने, और मिल गया मोटा कैश नानी से, नाना नानी दोनों ने बढ़िया पैसा दे दिया, दिवाली निकल जाएगी आराम से मेरी। चलो तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, और नानी के से मोटा माल लेके दिवाली पे हम घर जा रहे हैं। अभी इसके बाद हम जाएंगे गाँव, नहीं पहले हम जाएंगे खोली, उसके बाद जाएंगे गाँव, फिर जाएंगे हम फारूक नगर। तो आज का ये प्लान है, कोई प्लान नहीं है पटाखे वटाखे का, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे पटाखे फूटेंगे तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा पटाखे का प्लान नहीं है, अपना प्लान ये है बैठ कुछ मूवी लगा दूंगा या सीरीज लगा दूंगा पेप्सी और अपने पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बस खत्म का, ये रहेगी मेरी दिवाली। तो अगर पटाखे वटाखे फोड़ने तो आप किसी और चैनल पर जाओ, आप जाओ रही चैनल पर, वहाँ पटाखे फूटेंगे आज।